एक्सक्लूसिव नियुक्ति से बाहर कर दिया। ये वो सरकार है जो 2024 में कहती है हम पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार आएंगे, लेकिन इतनी डरी हुई ये सरकार है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर विश्वास नहीं कर रही है। साथियों आज सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कारण है कि केंद्र की भाजपा सरकार अध्यादेश लाकर मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके सदस्यों की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर रही है। कारण साफ है, ये वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्होंने हरियाणा की बेटियां जब न्याय मांगने दिल्ली जंतर मंतर आई तो दिल्ली पुलिस को विवश किया FIR दर्ज करने के लिए और FIR दर्ज करनी पड़ी। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो इस समय बिल्किस बानो के बलात्कारी और हत्यारों को, उनके परिवार के हत्यारों को छोड़ने पर भाजपा की गुजरात सरकार से सवाल पूछ रही है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो मणिपुर की हमारी जो दो आदिवासी बेटियों को नग्न करके सामूहिक बलात्कार किया गया, उन्हें न्याय दिलाने के लिए उन्हें विश्वास दिला रही है और उस समय सुनवाई कर रही है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो श्री राहुल गांधी जी की, जब भाजपा ने सदस्यता ले ली, उन्हें जेल भेजने की तैयारी थी, उसके खिलाफ जो है लोकतंत्र को जिंदा करते हुए राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल की। ये सब काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कहे हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने किया, तो स्वाभाविक है भाजपा का गुस्सा या भड़ास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर निकलना स्वाभाविक है। इसीलिए अपने बहुमत, अपने नंबर, आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही तरीकों से अध्यादेश लाकर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सर्वोच्च न्यायालय के हमारे न्यायाधीश को जो है वो चुनाव आयोग की मुख्य की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति से बाहर कर दिया। ये वो सरकार है जो 2024 में कहती है हम पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार आएंगे, लेकिन इतनी डरी हुई ये सरकार है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर विश्वास नहीं कर रही है।